वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जीमेल अकाउंट को डिलीट एंड रिमूव कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुजाहिद रफीक और आप देख रहे हैं मुजाहिद टेक एंड नॉलेज। तो सबसे पहले आपको इधर अपना जीमेल अकाउंट ओपन करना है, एप्लीकेशन ओपन करना है। उसके बाद आपको इधर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इधर सेटिंग में आना है। दो मेथड हैं, दोनों ही तकरीबन एक ही मेथड है, उसके दो पार्ट हैं। इधर से जाएंगे तो उधर ही पहुंचेंगे और डायरेक्ट उधर भी जा सकते हैं। सब इधर आने के बाद आपको इधर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और मैनेज अकाउंट में आना है। मैनेज अकाउंट में आने के बाद आपको इधर गूगल पे क्लिक करना है और इधर से जो भी आपका अकाउंट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट नहीं, दूसरे वाला करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। और इधर से आपको इधर थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो इधर रिमूव अकाउंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीधा 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 इधर भी आ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग में आने के बाद आपको इधर क्लाउड एंड अकाउंट में क्लिक करना है और अकाउंट में आना है। अकाउंट में आने के बाद आपको इधर गूगल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप इधर अकाउंट सेलेक्ट करें और इधर थ्री डॉट पर क्लिक करें। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आप इधर रिमूव अकाउंट कर सकते हैं, रिमूव अकाउंट। तो अकाउंट रिमूव हो गया, आप देख रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अकाउंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं परमानेंटली। ये मेरा अकाउंट लगा चल रहा है जो मोबाइल के अंदर, इसको मैं डिलीट कैसे कर सकता हूं। उसके लिए आपको इधर सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग में आने के बाद आपको इधर अकाउंट्स के नीचे एक ऑप्शन नज़र आएगा गूगल का, तो इधर आपने गूगल पर क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद आपने अकाउंट प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे नज़र आएगा डिलीट योर गूगल अकाउंट, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इधर आपसे एक नई विंडो ओपन होगी, एक नया टैब ओपन होगा जहां आपसे ये पासवर्ड पूछेगा आपके जीमेल अकाउंट का। आप उधर पासवर्ड देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगा कि अगर इफ़ यू हैव एनी पेंडिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यू विल स्टिल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चार्ज, कि अगर आपको ट्रांजेक्शन आप पेंडिंग है तो उसकी ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसके अलावा अगर कोई आपका डाटा वगैरह है इस गूगल अकाउंट में तो आपके उसके खुद ज़िम्मेदार होंगे। इसके बाद आपने इसमें दोनों को इन दोनों को टिकल करना है और इधर डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। डिलीट अकाउंट का इधर करने के बाद आपको एक नया टैब ओपन होगा यहाँ, जहाँ आपको ये बताएगा कि आपका जो जीमेल अकाउंट है वो डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद अगर आपका अकाउंट जो है वो गलती से लीड हो गया तो आप इधर अकाउंट सपोर्ट पे क्लिक करके भी उसका बैकअप कर सकते हैं, या आपको बाद में कुछ याद आ गया है मेरी कोई ट्रांजैक्शन है जा या डाटा वगैरह कोई कंटैक्ट वगैरह हैं वो जो मेरे हैं वो इधर अकाउंट में थे लेकिन मैंने वो अकाउंट डिलीट कर दिया, तो आप इधर उसका बैकअप कर सकते हैं। तो ये इसकी मुद्दत जो है वो बहुत कम होती है, इसके लिए इसलिए आपको जल्दी इसको बैकअप करना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलने के नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। उस वक्त अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।